आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज बीजेपी कार्यालय में हुई। बैठक से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस की भूपेश सरकार पर जमकर तंज कसा और कहा कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक रविवार को भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में हुई। बैठक से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस की भूपेश सरकार पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, इसमें सर्वप्रथम नवनिर्वाचित सांसदों का सम्मान किया जाएगा, फिर बैठक के अनेक विषयों पर चर्चा होगी। प्रदेश के राजनीतिक हालात को देखते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, सभी जिलों के लोग परेशान हैं। बिजली अव्यवस्था पर सरकार को जागरूक करने के लिए जिला स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। बड़ी समस्या जो पूरे प्रदेश व्यापी है, जो बिजली की समस्या को लेकर है, सभी जिलों में बिजली की कटौती और किसान से लेकर आम उपभोक्ता भी परेशान है। बिजली हाफ की बात करने वाले पूरे छत्तीसगढ़ की बिजली की व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। उसके लिए जनता को, सरकार को जागृत करने के लिए एक अभियान जिला स्तर में छेड़ने की बात है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि खाद और बीज का मुद्दा किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों को कर्ज नहीं मिलने की शिकायत आ रही है, ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक किसान को कर्ज मिले, कर्ज माफी का सर्टिफिकेट दिया जाए। इसके लिए हम निचले स्तर पर जमीनी कार्यकर्ता किसानों के साथ मिलकर काम करेंगे। वही किरंदुल में बेला डीला के डिपॉजिट 13 के मुद्दे पर आदिवासियों के प्रदर्शन में भाजपा की भागीदारी नहीं होने के सवाल पर कहा कि सभी की भागीदारी थी, हम बिल्ला लगाकर नहीं गए थे कि बीजेपी के या फिर कांग्रेस के, ये विशुद्ध आदिवासियों का आंदोलन था। खाद और बीज का विषय किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इस विषय को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के हमारी इस बैठक में निर्णय होगा कि प्रत्येक किसान को छत्तीसगढ़ को सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें कर्जा मिले, कर्जा माफी का सर्टिफिकेट मिले। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बिजली कटौती पर वीडियो वायरल करने के बाद राजनांदगांव जिले के मांगीलाल अग्रवाल पर राष्ट्रद्रोह का पहले मामला दर्ज करना और उसके बाद मुख्यमंत्री के फोन से हटाया जाना गलत है। ये हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था है, कोई कितना बड़ा क्यों न हो जाए, बिना उसके जाँच के उसे हटाया नहीं जा सकता। अब ये हिंदुस्तान में कानून है, व्यवस्था है, CRPF के तहत प्रावधान है, भारत का संविधान है। कोई व्यक्ति कितना बड़ा भी हो जाए, मगर किसी के खिलाफ यदि FIR मामला दर्ज हो गया है, बिना उसकी जांच के, बिना इन्वेस्टिगेशन के, उसको हटाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की मुलाकात पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि हर मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से मिलना होता है, नीति आयोग की बैठक और राज्य की समस्या पर बात करनी होती है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को हमेशा राज्य की दृष्टि से विकास के लिए बेहतर व्यवस्था बनानी चाहिए। किसी को आईना भेजकर संबंध खराब करना उचित नहीं है, संबंध बनाकर ही राज्य का विकास होगा। मुख्यमंत्री, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सबको प्रधानमंत्री जी से मिलना रहता है और नीति आयोग की बैठक में जाना है, अपने राज्य की समस्या को लेकर जाना है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को हमेशा राजनीतिक दृष्टि से विकास के डेवलपमेंट के लिए बेहतर व्यवस्था बननी चाहिए। अब प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद स्थानीय नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुकी भाजपा ने लोकसभा में तो अपनी लाश बचा ली, लेकिन आने वाले चुनावों में किस तरह से दोनों पार्टियां अपनी रणनीति लेकर जनता के बीच आती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टोटल न्यूज के लिए रायपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। और इसी खबर पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ के ब्यूरो हेड अनिल पुषादकर जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ अहम मुद्दे रहे यहां पर कैबिनेट के। सबसे पहले अनिल जी, हमारा आपका सवाल ये है हमसे कि क्या गंभीर मुद्दे रहे जिन पर यहां पर चर्चा हुई है? देखिए, भाजपा को ये समझ में आ गया है कि लोकसभा चुनाव में जो उनको कांग्रेस पर जो लीड मिली, जो जीत मिली, 9 उनके सांसद चुनकर आए हैं, उसको बरकरार रखने के लिए वापस उनको किसानों के पास जाना ही पड़ेगा। और इसलिए जो है बिजली, खाद और पानी की बात और कर्जे की बात जो है रमन सिंह ने की है, और राजनीतिक प्रस्ताव भी उनकी बैठक में यही पारित हुआ है कि बिजली के लिए जो है जिला स्तर पर जो है जा जाकर जो है प्रदर्शन किए जाएंगे, और बिजली की कमी जो एक दिख रही है अचानक सरकार बदलने के बाद, उसके खिलाफ जो है लोगों को जागृत किया जाएगा और लोगों में जो आक्रोश पनप रहा है उसको
वो एनकैश करने की कोशिश कर रही है। भाजपा की बिजली के जो कमी का जो के खिलाफ जो आक्रोश है उस पर वो जो है नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव की वैतरनी पार कर ली जाए। जी 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 अनिल जी, आपको नहीं लगता कि अगर बिजली कटौती की यहाँ पर हम बात करें तो इस बात को लेकर ज्यादा फोकस किया गया और साथ ही साथ आने वाले चुनाव में इसे एक मुद्दा बनाया जा रहा है, मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, छत्तीसगढ़ जब से बना है, पहले जब अविभाजित मध्य प्रदेश हुआ करता था तब यहाँ पर लगातार लोड शेडिंग होती थी, 2 घंटे की कटौती जो है कमिश्नरी स्तर पर, जिला स्तर पर होती थी और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में तो पता ही नहीं चलता था कि कितनी बिजली कटौती हो रही है। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, यहाँ बिजली की कभी कमी नहीं रही है। सरप्लस एनर्जी स्टेट कहलाता था, यहाँ से बिजली जो है अड़ोस पड़ोस के राज्यों को दी जाती थी। अचानक से पता नहीं क्या कारण है, भूपेश बघेल सरकार भी उस पर पूरी ताकत लगा रही है। भूपेश बघेल सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो कुछ अधिकारी साजिश में लगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन बिजली की कमी पर जो है वो जो है या कटौती पर जो है वो सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। और इस बात को रमन एंड कंपनी जो है अच्छे से समझ गई है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आसानी से जो है नगरीय निकाय के चुनाव पार किए जा सकते हैं। दूसरी बात, भाजपा अब यहाँ पर विपक्ष में है, उनको समझ में आ गया 15 साल का कार्यकाल जा चुका है और उनकी हार का जो प्रमुख कारण था विधानसभा चुनाव में वो किसान था। किसान की नाराजगी थी क्योंकि 2 साल जो है चुनाव के पहले रमन सरकार ने बोनस नहीं दिया था, चुनावी साल में बोनस दिया था। तो उस बात को वो समझ चुके हैं कि कैसे हम क्या हमारी हार हुई है और किसानों का असंतोष जो है उनको ले डूबा। तो इस बार किसानों के असंतोष जो अभी पनप रहा है, जो उभर रहा है, जो किसानों की कर्ज माफी को लेकर है या खाद बीज की किल्लत को लेकर है, उसको वो हवा देने में लगे हैं। और इस मामले में उनका जो रोड मैप तैयार है, उनका रोड मैप, और वो रोड मैप पे वो अमल करने पर जा रहे हैं। आने वाले समय में वो जिला स्तर पर जो है इसका आंदोलन का विस्तार करेंगे, प्रदर्शन का विस्तार करेंगे। ये उनकी रणनीति साफ साफ बता रही है। छत्तीसगढ़ का 6 महीने और चुनावी मोड में रहना है, तो चुनावी मोड में ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा ही चलेगा। देखिए, उन्होंने एक और एक बड़ा यहाँ एक स्पेसिफिक मामला हुआ था कि यहाँ बिजली कटौती के मामले को लेकर राजनांदगांव के एक मंगेलाल नामक व्यक्ति ने जो है फेसबुक पर पोस्ट कर दी थी, उसे रातों रात पकड़ कर अरेस्ट कर लिया गया, उस पर राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया गया। अब ये पुलिस की मुख्यमंत्री को खुश करने की या कांग्रेस सरकार को खुश करने की कवायद कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, लेकिन वो राजद्रोह का जब मामला लगा और जब यहाँ हंगामा हुआ तो मुख्यमंत्री ने खुद पहल की, भूपेश बघेल ने, और उस पर राजद्रोह हटाने की बात कही। अब इस बात को लेकर भी मुख्यमंत्री ने उन पर तंज कसा है कि आप जो है मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री संविधान से और कानून से बड़ा नहीं होता, आपके कहने से धारा नहीं लगेगी और आपके कहने से धारा नहीं हटेगी। तो ये एक प्रकार से जो है अब तक जो भाजपा बैकफुट पर थी वो अब ऐसा लगता है कि फ्रंट फुट पर आ गई है और फ्रंट फुट पर वो लगातार जो है वो शॉट खेल रही है। भूपेश बघेल एंड कंपनी इस समय जो है बैकफुट पर नजर आ रही है। जी जी अनिल जी, आपने भी बताया और साथ ही साथ रमन सरकार ने जो इस वक्त बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई उसमें भी कहा गया कि राज्य का मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आगामी चुनाव के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है, सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, कहीं ना कहीं जनता के बीच ये चीजें पहुंचाई जा रही है कि जिस सरकार को आपने चुना है, जो सरकार आपकी है, शायद ये आपके लिए नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, किसान एक बड़ी ताकत है यहाँ पे छत्तीसगढ़ को हम कह सकते हैं, यह किसानों का प्रदेश है। धान का कटोरा कहलाता ही था, छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में कहलाता था धान का कटोरा है। धान का कटोरा होने के बावजूद जो है ये अब उद्योग और यहाँ पर बहुत तरक्की हुई, लेकिन धान का कटोरा अभी भी बना हुआ है। किसान यहाँ पर बहुत है। तो किसानों के आक्रोश को ही रमन सिंह और भाजपा जो है वो देख रही है, वो उसको टारगेट, अपना जो टारगेट वोट बैंक जो है उनका किसान है। तो किसानों की नाराजगी ही उनको देखने मिली थी जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में अपने MSP जो बढ़ाने की बात कही थी, जो धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो बढ़ाने की बात कही थी, फिर कर्जा माफ करने की बात कही थी। तो वो सारी चीज़ें जो है वो एक ऐतिहासिक जीत कांग्रेस को उस किसानों के आक्रोश पर मिली थी।
इस बात को भाजपा अच्छी तरह समझ गई है और आने वाले समय में देखिए नगरीय निकाय चुनाव हैं और उसके बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत के चुनाव होने, किसान ग्राम पंचायत का हिस्सा है और नगरीय निकाय में जो शहरी जनता है, तो दोनों टारगेट उन्होंने अपने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में रखे थे। शहरी लोगों के लिए बिजली का जो महत्व बहुत है उसको उन्होंने रखा सामने में, और दूसरी बात गाँव के लिए, किसानों के लिए खाद, बीज और पानी और कर्ज माफ़ी का सर्टिफिकेट बात कर रही है, कर्ज माफ़ी का सर्टिफिकेट दीजिए। ये तो अब कर्ज माफ़ी में जो कुछ किसानों को जो नहीं हो रही है या किसी में जो तकनीकी त्रुटियां हैं जिसके कारण वो देर हो रही है, विसंगतियां जो है उसके कारण देर हो रही है, तो उसको भी, उस आक्रोश को भी जो है भाजपा भुनाने से नहीं चूक रही है। भाजपा लगातार अब जो है आक्रमण कर रही है क्योंकि उनको समझ में आ गया है नगरीय निकाय चुनाव में अगर वो वैसी जीत नहीं दर्ज करते जो लोकसभा में की है तो फिर उनके नेतृत्व पर फिर सवाल उठेंगे। जी अनिल जी, आपको नहीं लगता इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी से अगर किसान वर्ग की बात करें तो एक बड़ा तबका नाराज था और शायद यही वजह थी कि विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस आई, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को आगे रखा और उसी का उनको नतीजा भी मिला, वो जीते भी। अब कहीं ना कहीं किसानों को ही मुद्दा बनाकर वापस से बीजेपी वापसी की तैयारी में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस मोदी सरकार के कार्यकाल में रमन सिंह जो है दो साल जो है वो बोनस नहीं बांट पाए थे जी। तो दो साल उन्होंने बोनस नहीं बांटा था लेकिन चुनावी साल में उनको समझ में आ गया था कि चुनावी साल है और अगर बोनस नहीं बांटते हैं तो असंतोष बढ़ेगा। चुनावी साल में उन्होंने बोनस तो जरूर बांटा लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्होंने सिर्फ 400 रुपये बढ़ाया जिसको दुगना कर दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस 2500 रुपये की बात करके जो है वो उस मामले में लीड ले गई थी और जो बोनस नहीं बांटने का खामियाजा था तो किसान नाराज था ही, ये समझ में आ गया था भाजपा को, लेकिन वो तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके बाद जो नतीजे आए उसने मोहर लगा दी थी कि भाजपा किसान जो है भाजपा से बहुत दूर हो चुका है। वापस इस चुनाव में जो है लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उसी असंतोष को उभारा जो विसंगतियां थी, जो किसानों को जो कर्ज माफी में जो देर हो रही थी और बिजली बिल के भी जो मामले थे उसमें भी जो एक बार तकनीकी त्रुटि के कारण कुछ लोगों के बिजली बिल माफ़ नहीं हुए थे, ये सारी चीज़ें अब सरकार की गलतियाँ ढूंढ रही है भाजपा और उसको लगातार जो है उस पर वार कर रही है। कमजोर नस जो है सरकार की पकड़ना चाह रही है भूपेश बघेल की और उसको उस पर हमले कर के जो है वो अपनी वापस खोई हुई जमीन पाना चाह रही है। तीन बार का कार्यकाल जो है रमन सिंह को मिला था तो भाजपा ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर एक बहुत मजबूत उनका गढ़ है जो अचानक धराशायी हो गया था। कांग्रेस की एक लहर आई थी विधानसभा चुनाव में और उनका गढ़ धराशायी हो गया था। अब उस गढ़ के जो है वापस जो है उसको फिर से मरम्मत करके फिर से खड़ा करने की कोशिश में भाजपा लगी हुई है। जी जी बिल्कुल सही कहा अनिल जी आपने कि वापस से अपनी जमीन तलाश रही है। अब देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में बीजेपी कैसा प्रदर्शन कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के साथ हमसे जुड़ने के।